चलिए, आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज हम देखेंगे टाइम इवेंट्स जो है हमारे पास क्या क्या यूज़ कर सकते हैं और एक्चुअल वर्ल्ड में कहाँ पे यूज़ किया जाता है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल। और बहुत जगह इसको यूज़ किया जाता है, एनिमेशन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, या जैसे आप देखते हो वेबसाइट्स में वो कुकीज़ वाला सेक्शन आता है, ठीक है, वहाँ पे भी इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम देखेंगे टाइम इवेंट्स। क्या देखेंगे? टाइम इवेंट्स। ठीक, सो टाइम इवेंट्स जो है हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास किसके साथ डील करते हैं? टाइम के साथ। और हमारे पास की मेथड्स जावास्क्रिप्ट में हैं जो टाइम इवेंट्स के साथ यूज़ किया जाता है। एक है सेट टाइम आउट मेथड, क्या है हमारे पास? सेट सेट टाइम टाइम आउट। और दूसरा है हमारे पास सेट इंटरवल, क्या है बेटा? तो ये सेम दो मेथड्स है जो हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो केमल केस यूज़ करिएगा। जैसे मैंने आई कैपिटल लिख दिया, ठीक है, टाइम आउट का टी कैपिटल लिख दिया। अब इनका काम क्या है, दोनों की डेफिनेशन भी पहले देखेंगे और एक रियल टाइम एग्जाम्पल भी कोशिश करेंगे इसको यूज़ करने के। तो साथ साथ मैं आइडिया भी दूंगा कि इसको आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेट टाइम और सेट इंटरवल मेथड जो है, दोनों मेथड जो है हमारे पास, अगर हम देखेंगे ये दोनों डोम विंडो ऑब्जेक्ट से हमारे पास कौन से? हमारे पास ये दोनों मेथड जो है आप कह सकते हैं बोथ आर HTML डॉम विंडो ऑब्जेक्ट्स। इनको हम किन के साथ यूज़ करते हैं? विंडो के साथ यूज़ करते हैं। किन के साथ? विंडो के साथ विंडो के साथ। ठीक है, इसी तरीके से जो सेट टाइम आउट मेथड है हमारे पास, ये किस लिए यूज़ किया जाता है हमारे पास? जब आपने कोई फंक्शन जो है कुछ टाइम के बाद एग्जीक्यूट करानी होगी तो आप सेट टाइम आउट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जो सेट टाइम आउट फंक्शन है हमारे पास, इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक आर्ग्यूमेंट है फंक्शन, वो फंक्शन जो आपको एग्जीक्यूट करानी है। दूसरा है हमारे पास मिली सेकेंड्स, क्या है हमारे पास? कितने मिलीसेकंड। सेकेंड्स के बाद उस फंक्शन को आपने एग्जीक्यूट कराना है। सपोज कहाँ पे सर यूज़ करते हैं? आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पे जो हम जाते हैं कुछ सेकेंड के बाद एक पॉप अप विंडो आ जाती है, बट वो लॉजिक किसी फंक्शन के अंदर लिखा गया होता है, एक डिवीजन बनाया गया होता है या मॉडल बनाया गया होता है, लेकिन आफ्टर यू नो स्पेंडिंग सम टाइम ऑन ए वेबसाइट या कुछ टाइम के बाद जो ही गुजरता है 1 सेकंड 10 सेकंड, तो वो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पे आ आ जाते जाता हैं। है। सो दैट इज सेट टाइम आउट फंक्शन। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जो सेट टाइम आउट फंक्शन है, आप इसके साथ विंडो भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ इट, यू कैन यूज़ ऑल्सो विंडो विंडो डॉट। जैसे मैंने इसीलिए कहा कि जो ये दोनों मेथड्स है हमारे पास, बोथ मेथड्स आर द HTML डॉम विंडो ऑब्जेक्ट्स। दैट मीन्स वी कैन यूज़ सेट टाइम आउट फंक्शन विथ विंडो। तो प्रीफिक्स पहले आप क्या यूज़ कर सकते हैं? विंडो विंडो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी फंक्शन जो है हमारे पास, दूसरी फंक्शन भी सेम इसी तरीके से वर्क करती है। इसमें भी पहले आर्ग्यूमेंट है हमारे पास फंक्शन, और दूसरा है हमारे पास मिली सेकेंड्स, क्या है हमारे पास? मिलीसेकंड। मिली सेकेंड्स। सर देन व्हाट इज द डिफरेंस सेट इंटरवल एंड एंड सेट टाइम आउट फंक्शन? जो सेट इंटरवल फंक्शन है हमारे पास, ये कॉन्टिन्यूसली उस फंक्शन को उस सेकेंड्स के बाद एग्जीक्यूट करता है। जब आपको एक फंक्शन को बार बार एग्जीक्यूट कराना है, जैसे आपने देखा वो इरिटेट कर रहे होते हैं, ब्लॉक बार बार आ रहे होते हैं, बार बार, जैसे जब तक आप कुकी को एक्सेप्ट नहीं करते तो वो विंडो बार बार आती है, कुछ सेकेंड्स के बाद आती है, तो उस टाइम सेट इंटरवल फंक्शन हमने वहाँ पे यूज़। या आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट में टाइमर होता है, क्लॉक लगा होता है, तो टाइम ऑटोमेटिकली, लेकिन पीछे से असल में क्या हो रही होती है? कंटिन्यूअसली रिकर्सिवली एक फंक्शन को कॉल किया जाता है, लेकिन कुछ सेकेंड्स सेकेंड्स के के बाद। ठीक है, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे देखेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेट टाइम आउट फंक्शन एंड सेट इंटरवल मेथड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी तरीके से इनके साथ हमारे पास और रेस्पेक्टिव फंक्शन आती है। अगर आपने टाइम को क्लियर करना है, सो वी हैव क्लियर टाइम आउट फंक्शन, क्या है हमारे पास? क्लियर टाइम आउट फंक्शन। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है ये मेथड? दिस मेथड कैन बी यूज विथ ऑल्सो विंडो डॉट क्लियर टाइम आउट, बट इट इज जॉब इज टू जस्ट डू वन थिंग, क्लियर द टाइम। जैसे आपने किसी फंक्शन को कॉल करवाया बाई यूजिंग सेट टाइम आउट, अब आपने उसको पहले 3 सेकेंड वेट करवाया कि 3 सेकेंड के बाद वो खुद ही, लेकिन आप चाहते हो, अब आपने क्लिक किया, अब वो वेट कर रहे थे, आप उससे पहले उसको क्या कर सकते हैं? वो टाइम आउट क्या टाइम क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं।
दूसरा है इसी तरीके से अगर हम सेट इंटरवल की बात करते हैं, इसके साथ भी अपना रेस्पेक्टिव है हमारे पास, क्लियर इंटरवल। क्या है हमारे पास? क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल। तो आपकी अपनी मर्जी है क्लियर। ज्यादातर जो मैं देखता हूँ, जो ज्यादातर यूज किया जाता है, दोनों यूज की जाती है, बट ज्यादातर जो आपको फ्रीक्वेंटली मिलेंगी वो कौन सी फंक्शन होगी आपके पास? सेट इंटरवल फंक्शन। सो व्हाट इज द डिफरेंस? फर्क इन दोनों में एक ही है, ये इस फंक्शन को उन जितने सेकंड्स आपने यहाँ पे मेंशन किए होंगे उन सेकंड्स के बाद कॉल करेगा, और फर्क यहाँ पे वो भी वही करेगा, कुछ सेकंड्स के बाद कॉल करेगा लेकिन बार बार उन सेकंड्स के बाद क्या करेगा? कॉल किया। जैसे मैंने यहाँ पे 1 सेकंड रखा, तो वो फंक्शन कितने सेकंड्स के बाद बार बार कॉल हो जाएगी? एक एक सेकंड के बाद कॉल हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम किसको यूज़ कर सकते हैं, जो सेट टाइम आउट फंक्शन है इसको एक्चुअल वर्ड में हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं देखते हैं। कैसे इस चीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है? और साथ साथ क्लियर टाइम आउट फंक्शन कैसे वर्क करेगा उस चीज़ को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? सो दोनों टाइम के साथ डील की जाती है। हाँ, बहुत सारे बंदे इसको एनिमेशन के लिए भी यूज़ करते हैं इन फंक्शंस को, या कुकीज़ को स्टोर करने के लिए ये भी यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है, या लोकेशन उस चीज़ के लिए भी, या नोटिफिकेशंस उस चीज़ के लिए भी आप इसको यूज़ कर करते हैं। सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को प्रैक्टिकली पहले देखते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो है ना काफ़ी वो आप कह सकते हैं, अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो ये दो फंक्शंस आनी चाहिए आपको, क्योंकि ये फ्यूचर में अगर आप एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक काम आएगी, ठीक है? अब इतनी नहीं है, टाइम फंक्शंस बहुत सारी है हमारे पास, तो ये वो दो है जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है। इनको आप अपने तरीके से फिर मॉडिफाई भी कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो चलिए इस फाइल को सेव करते हैं, इसका नाम ही रखेंगे हम टाइम फंक्शंस, ठीक है, डॉट HTML। तो चलिए सबसे पहले HTML पार्ट होगा। हम क्या करेंगे काम, एक बटन बनाएंगे, बटन पे क्लिक करके इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे, लेकिन उसके साथ हम बिहाइंड द सीन क्या कराएंगे यूज़? टाइम आउट, या डायलॉग बॉक्स भी बना सकते हैं, उसको भी कब कॉल करा सकते हैं, लेकिन फिर वो उस फंक्शन को हमें कॉल करना है विंडो डॉट ऑन लोड। जो ही विंडो लोड हो जाएगा उसके बाद अगर 4 सेकेंड हो जाए तो वो चीज़ आनी चाहिए। आनी चाहिए। फिलहाल हम इस पर क्लिक पे करेंगे क्या, वरना हमारे पास और एक इवेंट है, दैट इज़ विंडो डॉट ऑन लोड। जो ही पेज लोड हो जाए फिर वो फंक्शन कॉल होगा, लेकिन उसमें हमने सेट टाइम आउट फंक्शन किया होगा यूज, उसको हम 4 सेकंड वेट कराएंगे, फिर एक डायलॉग बॉक्स आएगी, नोटिफिकेशन, साइन अप नाउ, डिस्काउंट, समथिंग लाइक दैट, वो चीज़ें ला सकते हैं। तो मैं आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए पहले एक सिंपल एग्जाम्पल बनाते हैं, इनपुट टाइप, इसको नाम ही क्या रखेंगे हम? बटन। बटन। और चलिए वैल्यू सिंपल लिखेंगे, लेट्स से क्लिक में, हाँ जैसे हम एग्जाम्पल देते आए हैं। बट अब इसको हम क्या करवाएंगे? कॉल करवाएंगे। हैं ऑन क्लिक हमें किस फंक्शन को कॉल करना है? सेट टाइम आउट फंक्शन को कॉल करना है। इट्स अ प्री डिफाइंड फंक्शन, रिमेंबर दैट। बट उस सेट टाइम आउट के अंदर जैसे मैंने कहा दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने, एक वो फंक्शन जो आपको कॉल करवानी है, दूसरा मिली सेकेंड्स। तो यहाँ पे आपको सेकेंड्स देने, जैसे 1000 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। जैसे अगर हम बाकी लैंग्वेज में, जैसे हम थ्रेड्स पढ़ते थे तो वहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट है मिली सेकेंड्स, तो यहाँ पे भी आप वो चीज़ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टाइम देंगे वो होगा किस में? हमारे पास मिली सेकेंड्स। तो स्क्रिप्ट, और यहाँ पे पहले बनाएंगे हम फंक्शन। चलिए इस फंक्शन का नाम रखेंगे जो भी आपकी मर्जी है, लेट्स से डेमो फॉर इंस्टेंस, ठीक है? अब इसके अंदर हम सिंपल मैसेज कर रहे हैं, अलर्ट हेलो दिस इज डेमो ज्वाइन नाउ सपोज, हाँ फॉर इंस्टेंस। अब ये तो बात आई है बिहाइंड द सीन, यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑन क्लिक, क्लिक ऑन क्लिक इवेंट है, बट इनसाइड दिस ऑन क्लिक वी आर गोइंग टू कॉल सेट टाइम आउट। क्या यूज़ करेंगे? सेट टाइम सेट टाइम आउट। और यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स, पहला आर्ग्यूमेंट होगा फंक्शन डेमो फंक्शन विद नो पैरेंथेसिस पैरामीटर्स, सेकंड टाइम, लेट्स से आई विल से, रखते थे डेमो नहीं यहाँ पे सीधे सिंटैक्स, 4000 इज इक्वल टू हियर 4 सेकेंड्स, सेकेंड्स ठीक है? चलिए देखते हैं क्या ये वर्क करेगा हमारे पास के नहीं। चलिए सेव करते हैं, ओपन इन ब्राउजर में जाते हैं, क्लिक,
नाउ लेट्स वेट टू थ्री फोर तो इट्स वर्किंग परफेक्टली। 4 सेकेंड्स के बाद ऑटोमेटिकली ये अब आप आइडिया खोल लीजिए, मैंने अलर्ट करवाया यहाँ पे, आप यहाँ पे कुछ भी करवा सकते हैं। आप बूटस्ट्रैप की मदद से एक डायलॉग बॉक्स बनाइए और उसको यहाँ पे कॉल करवाए। अब ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने ऑन क्लिक किया, वाई नॉट वी से विंडो डॉट लोड, विंडो डॉट ऑन, या फिर इसको यहाँ पे हटा के कहाँ पे डाल देंगे, बॉडी में डाल देते हैं, ठीक है। सेव, चलिए देखते हैं ये वर्क कर। तो कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो चलिए चेक करते हैं, या तो विंडोज होगा, तो कोई एरर नजर आ रहा है हमारे पास ना। तो कंसोल में चेक करते हैं, तो सिंटेक्स इंसान भूल जाता है, सो विंडो डॉट ऑन लोड होगा कैपिटल है। लेट्स ट्राई, नहीं चल रहा है, विंडो मत डब्ल्यू कैपिटल। सीधे अगर हम क्या करेंगे, ऑन लोड चेक करते हैं यहाँ पे, फिर भी ये चलना चाहिए क्योंकि विंडो का ही ऑब्जेक्ट है। हाँ आ गया, तो हम विंडो के साथ इसको यूज कर रहे हैं। जरूरी बॉडी पे लिखना है क्या? नहीं, कहीं पे भी रख सकते हैं, ये खुद ही चेक करेगा इसी, जब डॉक्यूमेंट लोड होगा ना तो कौन सा इवेंट फायर होता है ऑटोमेटिकली, सेट टाइम ऑन लोड है, समझ आ रहे, ऑन लोड है, यानी कि जो ही बॉडी पेज लोड होता है तो एन इवेंट गेट्स फायर विच इवेंट दैट इज ऑन लोड। तो ऑन लोड जो ही पूरा पेज जो ही लोड होगा तो हमने किस फंक्शन को कॉल करवाया, सेट टाइम। तो इंटरनली अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जो वो कुकी जैसी चीज़ें होती है, वो जो डायलॉग बॉक्सेस आते हैं, वो किस इवेंट पे रखे होते हैं, उन्हें ऑन लोड पे रखे होते हैं, क्योंकि यूज़र जब उस वेबसाइट पे जाता है 5 सेकंड 6 सेकंड 10 सेकंड तक जब वो वेबसाइट पे सर्व करता है, देन एक पॉपअप आ जाता है हमारे पास, दैट इज़ ऑन लोड, वहाँ पर यूज़ किया गया होता है, ठीक है। अब जैसे ये फंक्शन एक बार कॉल होती है, बट अगर आपको यही चीज़ क्या करवानी होगी, बार बार कॉल करवानी होगी, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी फंक्शन है, सेट इंटरवल फंक्शन। बट उससे पहले आगे चलते हैं, उससे पहले क्या करेंगे हम काम, हम देखेंगे क्लियर टाइम आउट जो फंक्शन है ये कैसे वर्क करता है हमारे पास, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, जो क्लियर टाइम आउट फंक्शन है कि या जो सेट टाइम आउट भी है, जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं ना, ये रिटर्न करता है वहाँ से कितने सेकेंड्स, रिमेंबर दैट। तो एक रिटर्न वैल्यू होता है, एक्चुअली क्या होता है हमारे पास, रिटर्न, लेट मी शो यू, अगर मैं यहाँ पे कंसोल में जाऊँगा, इंस्पेक्ट करूँगा, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा कौन सा इवेंट हमने यूज़ किया, अगर हम फंक्शन यूज़ करेंगे सेट टाइम आउट, और जैसे मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, दैट इज़ माई डेमो डेमो फंक्शन, चलिए मैं दे रहा हूँ 4 सेकेंड्स। अब देखिए ये क्या रिटर्न कर रहा है, इसने कुछ वहाँ से रिटर्न किया, असल में ये रिटर्न क्या कर रहा है हमारे पास, टाइम रिटर्न कर रहा है, क्या कर रहा है असल में, टाइम। तो वो वैल्यू हम स्टोर करेंगे, क्या करेंगे, स्टोर, फिर उसी को क्लियर करेंगे, वरना उसको समझ नहीं आएगा कि क्लियर किसको करना है, समझा रही है बात। तो उसी चीज़ के लिए क्लियर करना लेकिन ज़रूरी क्यों है, समझाने के लिए, कभी कभी कोई इवेंट चल गया, आपने टाइम के हिसाब से आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे इस फंक्शन को, तो क्लियर टाइम आउट उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। या बहुत जगह कोई ऐसी बड़ी एप्लीकेशन होती है जहाँ कंटिन्यूसली आप किसी फंक्शन को कॉल कर लेकिन वो टाइम वेस्ट होती है, तो कहीं ना कहीं आपको टाइम क्या करना पड़ता है, क्लियर भी करना पड़ता है, तो यू शुड नो कैसे उसको यूज़ कर सके, ठीक है बेटा। तो जैसे मैं इसको वापस प्रीवियस स्टेट पे ले जाता हूँ बटन पे ही, ठीक है। अब देखिए जो ही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑन क्लिक,
ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये कुछ ना कुछ वैल्यू वहाँ से रिटर्न करेगी, ठीक है। लेट्स से कुछ वेरिएबल बनाएंगे एक्स समथिंग, तो अब जो वैल्यू स्टोर हो जाएगा वो किस में जाएगा हमारा एक्स एक्स। अब मैं यहाँ पे दूसरा बटन बनाऊंगा, ठीक है। लेट्स से इनपुट टाइप बटन, और इस बटन पे भी हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक ही कॉल करेंगे। क्या करेंगे, ऑन ऑन क्लिक, बट इस ऑन क्लिक के अंदर हम किस फंक्शन को कॉल करेंगे, क्लियर क्लियर टाइम आउट। बट टाइम आउट किसको करना है, इस एक्स को, समझ आ रही है बात। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे वैल्यू स्टॉप, चलिए देखते हैं ये वर्क करेगा भी या नहीं। तो लेट्स रिफ्रेश, देखिए अब अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेट्स वेट फॉर 4 सेकेंड, टू थ्री एंड फोर आ गया, ठीक है। चलिए अब मैंने फंक्शन कॉल की, अब मैंने इसको क्या किया, स्टॉप। स्टॉप। तो चलिए देखते हैं ये चलेगा कि नहीं जाए। तो देखो नहीं आउटपुट आ रहा है हमारे पास। तो उसने क्या किया, जो खत्म टाइम किया, उसको मिला था उसने उसी को क्या किया, खत्म। क्लियर किया, समझ। तो ये चीज़ भी आपके बहुत जगह काम आ सकती है, तो क्लियर। तो ये थी दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे समझाने के लिए कि कैसे हम सेट टाइम आउट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं आगे। आगे जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है सेट इंटरवल मेथड। जैसे मैंने कहा जो सेट इंटरवल मेथड है, यानी कि ये किस लिए यूज़ किया जाता है, जब आपको एक फंक्शन को बार बार रिपीट करना होगा कुछ टाइम इंटरवल के बाद, जो आप यहाँ पे मेंशन करते लूप हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेट इंटरवल। इट्स लाइक ए लूप, यू आर एग्जीक्यूटिंग ए विथ टाइम्स, मैं बार बार फंक्शन को कॉल कर रहा। तो उसके लिए आप कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, सेट इंटरवल यूज़ कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चलिए इसको फिलहाल कॉपी करते हैं और इसको कमेंट आउट करते हैं यहाँ पे, और नए से दो बटन्स डालते हैं, ठीक है। बट इंस्टीड ऑफ सेट टाइम आउट वी विल यूज विच फंक्शन, सेट इंटरवल फंक्शन। क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सेट इंटरवल। तो अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे हटा के यहाँ पे क्या डाल देंगे हम, सेट विच विल फंक्शन विल इंटरवल, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम क्या रखेंगे, हम दो 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 सेकंड सेकेंड्स रखेंगे, चलिए। बट यहाँ पे काम करते हैं, लेट्स से डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं। तो चलिए फिलहाल इसको हटा देते हैं, इस वैल्यू की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। सेव करते हैं, लेट्स फाइंड आउट हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। आ गया। हेलो। तो हर दो दो सेकंड के बाद क्या आ रहा है, सेम फंक्शन एग्जीक्यूट हो रही है हमारे पास, आ रही है बात समझ। इट्स लाइक मैजिक, एनिमेशन के लिए भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर एक सिंपल क्लॉक हमें बनाना हो, इजीली हम बना सकते हैं, वन सेकेंड वन रखेंगे इसमें, सेकेंड के रखनी है डिफरेंस, और हम इसको यूज फिर थोड़ा मिस्टर सा, हेलो हम 1 2 3 4 करेंगे, या हाँ काउंट अगर करना होगा, है ना, कुछ हाउ मेनी भी, सेकेंड्स, हाँ टाइमर। टाइमर बना सकते हैं ना आराम से। टाइमर, टाइमर जो होता है घड़ियों में वो भी यूज कर सकते हैं, एक सिंपल क्लॉक भी बना सकते हैं। वेबसाइट आप कोई बनाते हैं तो इन्फॉर्मेटिव क्लॉक डिजाइन डिवीजन विविजन बना के अंदर, लेकिन कंटेंट कौन सा डालना है इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, अगर हमें एक टाइमर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। चलिए एक काम करते हैं, आपको समझाने के लिए इसकी हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधे एक काम करते हैं, एक डिवीजन बना देंगे। क्या बनाएंगे हम, एक डिवीजन डिवीजन बनाएंगे हम, उसी डिवीजन में इसको डिस्प्ले कराएंगे, इसको आईडी देंगे हम। लेट्स से टाइम। इसको लिखेंगे नाम टाइमर, ठीक है। इसका कंटेंट जो है वो खाली रखेंगे हमारे पास, ठीक है। या यहाँ पे एक और एक काम करेंगे, लेट्स से हम यहाँ पे यूज करेंगे H3 टाइम, है सिंपल। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कॉन्सेप्ट, हमें सिंपली क्या करना है, काम सेट इंटरवल फंक्शन यूज करनी है। क्या यूज करनी है, सेट इंटरवल फंक्शन यूज करनी है। चलिए मैं इसको भी फिलहाल बंद रखता हूँ,
हम नए से बनाएंगे, लेट्स क्रिएट अ फंक्शन, फंक्शन का नाम रखेंगे जो भी आपकी मर्जी है, वो आप लेट्स से क्लॉक, क्लॉक टाइमर, ठीक है। इस क्लॉक टाइमर के अंदर अब चलिए यहाँ पे एक चीज़ है, अब इसको कैसे पता चलेगा कि जो करंट टाइम है वो हिलाना है। सो दैट मींस अगर आपको याद होगा हमने प्रीवियस एग्जांपल में एक जगह डेट के साथ डील किया था हमने, अगर याद होगा, ठीक है, डेट के साथ। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट टी आई बनाएंगे हम, टाइम बनाएंगे इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पर क्या बनाएंगे पहले डेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब हमें पता है सारी चीज़ें इसी के अंदर आती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी, और यहाँ पे डालेंगे हम टाइमर डॉट इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी, ताकि उसके अंदर आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए, हम लिखेंगे सीधे जो हमने टीएम डॉट, वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड टू लोकेल, है एल ओ सी एल ए लोकल टाइम स्ट्रिंग, क्या यूज कर सकते हैं लोकल टाइम स्ट्रिंग। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे आएगा हमारे पास, ठीक है। अभी हमने इस फंक्शन को कॉल भी नहीं किया, चलिए एक बार इसको पहले बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, कॉल करते हैं। अभी मैंने इंटरवल फंक्शन यूज नहीं किया, लेट्स, तो आप देखिए ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। बट मुझे फिर हर बार रिफ्रेश करना है, क्या करना है, सो आई हैव टू रिफ्रेश, तो गेम समझे ये है, तो आई हैव टू रिफ्रेश एवरी टाइम सो टू गेट द करंट टाइम, बट ये प्रॉब्लम है, अब हर बार आप रिफ्रेश नहीं कर सकते। तो लेकिन बिहाइंड द सीन हम क्या करवाएंगे, इसको बार बार कॉल करवाएंगे, तो हर बार करंट टाइम, हाँ। तो चलिए तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे सीधे सीधे, लेट्स सेट इंटरवल, और यहाँ पे क्लॉक टाइमर को कॉल करेंगे 1000, डन। तो इस तरीके से आपका जो टाइमर है परफेक्टली वर्क करेगा, सी। तो एक सिंपल सा एक अच्छा सा बाय वन की एक वेबसाइट में आप एक सिंपल एक टाइमर सेट कर सकते हैं। बट किसकी वजह से आ गए, तो आपने प्रॉब्लम भी देखी कि प्रॉब्लम क्या हो रही थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन आता है कि सीधे भी तो यूज़ कर सकते थे, तो रीज़न था कि आई हैव टू, तो मुझे हर बार क्या करना था पेज को रिफ्रेश, बट यहाँ पे आपके सेट इंटरवल फंक्शन काम आएगी कि ओके, सो दैट इज़ द रीज़न। आप ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे सिंपल टाइम ला रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चेंज करा सकते हैं, कंटिन्यूसली चेंज करा, ये एक हिसाब से हॉट रिलोड टाइप भी बना सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली, इट्स लाइक ए वर्किंग एजेक्स, द मोमेंट वट एवर यू आर राइटिंग बेस्ट एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, हॉट रीलोड काइंड ऑफ एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हैं, या जैसे आपने कहा अगर सिंक्रोनसली डेटा चाहिए मुझे, तो वहां पे भी इस चीज को भी आप यूज, अब आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड। मेरे जहन में अभी आ रहा है कि आई एम मैं बबल्स को मूव करा रहा हूँ, मैं नंबर्स को घुमा रहा हूँ वेबसाइट में, पीछे से एनिमेशन बना रहा हूँ कंटिन्यूस। अच्छा पहले इसको मानो मैंने रैंडम फंक्शन यूज़ की, रैंडम के अंदर ऑलरेडी कुछ सिंबल्स डिफाइन किए, ए बी सी या वैल्यूज कलर्स मेंशन किए, फिर उन्हीं को रैंडमली कॉल, हर बार नए बार कॉल, तो हर बार चेंज हो रहे होंगे, तो आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट आपको आया समझ। तो ये थी यहाँ पे एग्जांपल किसकी, हमारे पास सेट इंटरवल फंक्शन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे पास, जो बहुत जगह। अब इसी चीज़ को अगर आपको आप डिज़ाइन करना है, करना कुछ नहीं है, आपने जैसे यहाँ पर डायरेक्टली आपके इनर एचटीएमएल के अंदर कंटेंट डाला, अब आपको इसको थोड़ा सा ग्राफिकल लुक देना है, बॉक्सेस बनाने, फिर बॉक्सेस के अंदर को क्या करना है, वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराना है, ठीक है। कंटेंट स्टैटिक रहेगा, बट क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मानो आपको बिल्कुल जैसे ना देखा होगा वो पेज टर्न हो रहा होगा, तो वो चीज़ भी आप इसमें कर सकते हैं। स्टाइलिंग अच्छी खासी करनी है, ऐसा नहीं, स्टाइलिंग करनी है हमारे पास, ठीक है। तो ये थी एक सिंपल एग्जांपल कि कैसे हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसमें भी क्लियर टाइम इंटरवल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में वैल्यू स्टोर किया था, तो इसमें भी हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स लिया था, फिर एक बटन पर उस एक्स वैल्यू के अंदर सेट इंटरवल के अंदर आप क्लियर इंटरवल
के अंदर वो वैल्यू पास करके उसको क्लियर कर सकते हैं। समझा रही है बात? तो ये थी हमारी दो एग्जांपल्स, या ये आप कह सकते हैं ये है हमारे टाइम फंक्शंस इवेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम इनको बहुत जगह यूज़, एक वेबसाइट में इनको अच्छा खासा यूटिलाइज किया जाता है। करंट टाइम डेट दिखाना हो, या एनिमेशन चलानी हो, या पॉप अप विंडो लानी हो, या डायलॉग बॉक्सेस लाने हो, या कुछ ऑफर्स दिखाने हो, कुकीज स्टोर करने हो, तो उस चीज़ के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। कॉन्सेप्ट यही होता है हमारे पास, ठीक है। तो आई होप ये आज का जो टॉपिक था आपका, या जो आज हमने पढ़ा, आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी एक रियल टाइम एग्जांपल कोशिश की आपको समझाने की, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, पूरा क्लियर हो जाए। अब आप होमवर्क घर में ट्राई करिए, आज आपका एक होमवर्क है। आप बिल्कुल ना ऑन लोड पे कुछ सेकेंड्स के बाद विंडो लाएंगे, जिसमें यू विल शो के पहले रजिस्टर लॉग इन नाउ, तो फॉर्म बाज़ाब्ता तौर आना चाहिए कुछ कुछ सेकंड। जब तक वो नहीं करेगा, जब तक वो लॉग इन या रजिस्टर नहीं करेगा, तब तक उसको बार बार आना चाहिए। समझा रही है? तो वो चीज़ आज ट्राई करिए, देखिएगा आपको आएगा कि नहीं। तो आज का टॉपिक इतना ही हमारे पास। तो आई होप आज का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से क्लियर होगा। और अगर और भी कोई क्वेश्चन होंगे, कोई क्वेरी होगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो इंशाल्लाह आंसर देने की कोशिश करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।